नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, काफ़ी सारे लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि भाई हमें सुनने के अंदर फिन निफ्टी के अंदर हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है, तो हमें यहाँ पे इंडेक्स किस तरह से ऐड करना है सुनने के अंदर, वो प्लीज़ बताइए। क्योंकि यार सुनने के अंदर कोई भी इंडेक्स ऐड किया हुआ नहीं होता है, हमें खुद से ऐड करना पड़ता है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। कई लोगों को समझ में नहीं आता कैसे ऐड करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको फिन निफ्टी को अपने सुनने एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक वॉच कर लेते हो, कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सुनने से फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सुनने को ओपन कर लेना है। आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है? इस तरह से आपको सुनने में एप्लीकेशन नजर आता है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखो डैशबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे एनालिटिक्स का ऑप्शन है, पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, अदर का ऑप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वॉच लिस्ट का। आपको वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सेक्शंस नज़र आते हैं। इसमें किसी भी सेक्शन में आप जिस भी सेक्शन में ऐड करना चाहो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे फिफ्थ वाले को सेलेक्ट कर रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे फिफ्थ वाले सेक्शन के अंदर मैं अपना फिन निफ्टी का इंडेक्स ऐड करूँगा। तो वो इंडेक्स ऐड कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे देखो सर्च का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे मैं टाइप करता हूँ फिन निफ्टी, तो यहाँ पे देख सकते हो नो रिजल्ट फाउंड। और इस चीज़ को देख के कई लोग परेशान होते हैं, यहाँ पे सर्च करने के बावजूद फिन निफ्टी नहीं नज़र आता है। तो यहाँ पे फिन निफ्टी को किस तरह से ऐड करना है, कैसे होगा, वो सब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसको क्या करना है, इरेज करना है और यहाँ पे टाइप करना है निफ्टी, ठीक है, NIFTY। जिससे हमने निफ्टी टाइप किया, हमारे पास में कुछ इंडेक्स आ रहे हैं निफ्टी के, तो यहाँ पर देख सकते हो ये निफ्टी का इंडेक्स नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ये नहीं हो पा रहा अभी, चलिए छोड़िए इसको। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे इंडेक्स आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे नीचे स्क्रॉल करना, नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो निफ्टी 50 का इंडेक्स है एक, तो जो कि 21,000 कुछ चल रहा है, ये आपको पता होगा निफ्टी 50 का इंडेक्स। निफ्टी बैंक का इंडेक्स चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 45,000 कुछ समथिंग, तो ये निफ्टी इंडेक्स का है। और जो फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी, निफ्टी फिन सर्विसेज, ये रहा, तो फिन निफ्टी का ये है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिन निफ्टी का आपको प्राइस पता होगा, तो यहाँ पे 20,000 कुछ समथिंग चल रहा है, तो यही वो इंडेक्स है जिसको फिन निफ्टी कहा जाता है। और इसमें ऑप्शन चेन भी आपको देखने को मिल जाती है, तो आप ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करके इसकी ऑप्शन चेन भी वॉच कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, इसको ऐड कैसे करना है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिन निफ्टी को ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिन निफ्टी आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिन निफ्टी की जो इंडेक्स है वो ऐड हो चुकी है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखना चाहते हो तो चार्ट का ऑप्शन है, चार्ट के ऊपर क्लिक करके आप इसका चार्ट भी ओपन कर सकते हो कुछ इस तरह से। और ये चार्ट किससे है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ये देख सकते हो। उसके बाद मैं देख लेता हूँ, ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन चेन आपको देखने को मिल जाती है, ऊपर आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे ऊपर डेट भी मिल जाती है, एक्सपायरी डेट जो भी है ये यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस और कॉल वाले इधर है, पुट वाले इधर है, एकदम सेम नॉर्मल सी जो ऑप्शन चेन है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ से आप फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, नॉलेजेबल लगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल